तनुज कूलिंग सिस्टम कहाँ होता है, ये देखो 5 लीटर का वाटर कूलर है, तो हमने उसको है ना पाइपिंग वाला नहीं बनाया, उसको ऑनलाइन चिलर पीएचई टाइप का वाटर कूलर बनाया, तो क्या उसमें उसका बेस्ट और अच्छा रिजल्ट मिलता है और जल्दी कूलिंग भी करता है। और इसके अंदर मेन बात यह कि आप ये है ना उसकी जो 2 टन की कैपेसिटी वो 1 घंटे में 300 लीटर चिल कर सकता है। अगर 600 लीटर का लेंगे तो 2 घंटा लगेगा, 900 लीटर का टैंक लेंगे तो आपको समझो ना कभी 3 घंटा लगेगा, तो कोई भी बड़ी टैंक ले सकते हैं। और सिंटेक्स की ऐसी जो टैंक है ना ऐसी भी टैंक ले सकते हैं इसके अंदर, लेकिन इंस्टॉलेशन करना जरूरी है। तो इसके अंदर एक्स्ट्रा एक पीएचई आता है, वाटर फ्लो स्विच आता है, मोटर आता है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आता नहीं है, बाकी जो सिस्टम है वही चलता है। तो इसके अंदर कैसे कनेक्शन करना और कैसे वायरिंग करना वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अभी ये चालू किया है हमने, ठीक मैं दिखाता हूँ कि ये है ना टैंक में हॉल कर दिया है, नीचे में जो हॉल है इसके अंदर पानी जाएगा, मोटर के अंदर जाएगा, ये पाइप गई मोटर है, मोटर के अंदर, और मोटर से रिटर्न होके इसमें जो रिटर्न होती है ना इसमें हमने सेंसर लगा दिया, तो टैंक का टेम्परेचर दिखाएगा कितना पानी है, फिर आएगा पीएचई में आएगा, ये है पीएचई। सही, तो पीएचई में क्या है कि जो ये पाइप आता है ना इन आता है ना उसके सामने सक्शन होना चाहिए, और जो आउट आता है ना पानी का उसके सामने इन होना चाहिए कंप्रेसर का, इसमें कैपिलरी लगी है आप कुछ देख सकते हैं। तो अगर ये वाटर प्रूफ स्विच है तो वाटर प्रूफ स्विच ये वर्क करेगी जब चालू होगी मोटर तभी चालू होगा, अगर चालू नहीं होगी तो ये कॉम्प्रेस स्टार्ट नहीं रहेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है मोटर के अंदर पीएचई बंद करेगी वो, इसके पीएचई की सेफ्टी के लिए, अगर वो जीरो या माइनस में चला जाएगा बर्फ हो जाएगा, पीएचई फट जाएगी, ऑयल और कॉम्प्रेसर मिक्स हो जाएगा और काफ़ी नुकसान हो सकता है, इसलिए सेफ्टी जरूरी है। तो और उसके अलावा हमने एक और ही सेफ्टी दे दी है कि पीएचई ऊपर है ना एक सेंसर देके दूसरा डिजिटल कंट्रोल भी दे दिया है, वो जीरो पे सेट किया है कि अगर उसमें बाय चांस ये वर्क नहीं करेगा तो वो भी आपको मोटर का और दोनों को रुका देगा, मतलब पंप को चलने नहीं देगा, वो सेफ्टी दे दिया है। अभी देखो ये वाटर फ्लो स्विच से ये पाइप रिटर्न होके अंदर आता है, टैंक में आता है, देखो ये है ना अभी पानी आता है, और ये एक्स्ट्रा फ्लो वाला है और फ्लोट वाले फ्लोट वाल पानी भरता रहेगा, जितना कम होएगा इतना भरता रहेगा, और ये ओवर फ्लो स्विच है क्या मतलब फ्लोट वाल खराब हो जाएगा तो यहाँ से पानी गिरेगा, चारों तरफ से गिरेगा नहीं। और ये उसका टेम्परेचर मीटर है, उसका तो वायरिंग मालूम होगा सबको, तो इसमें सेट हमने 7 तक किया हुआ है, बस 7 या 10 से ज़्यादा नहीं कर सकती उसको, तो ये 7 आएगा। तो अभी कनेक्शन ऐसा किया हमने, इसमें कॉन्टेक्टर लगाना जरूरी है, डायरेक्ट सब 0 पे लगाने से अच्छा कॉन्टेक्टर करेंगे तो अच्छा है, इसमें कुछ खास सेफ्टी के लिए ये अच्छा है। तो अभी ये टेम्परेचर डाउन होके 7 पे आएगा, और उसका कनेक्शन ऐसा किया कि मोटर भी बंद हो जाएगी और कॉम्प्रेसर बंद हो जाएगा, सही जब इसका जितना सेट करेंगे वहाँ पे आके बंद हो जाएगा, कॉम्प्रेस सिस्टम बंद हो जाएगा।